नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। इन दिनों पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो फिल्म है एक जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। जी हां, विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स। और अब इस फिल्म के बाद एक और डायरेक्टर है विपुल शाह, जिन्होंने केरला में गायब हुई 32,000 लड़कियों की मानव तस्करी और उनके धर्म परिवर्तन की जो दास्तान है उसे बड़े पर्दे पर दिखाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक टीजर रिलीज किया और ये टीजर काफी अनोखा था क्योंकि इसमें कोई भी पिक्चराइजेशन नहीं दिखाई गई, लेकिन शुरुआत जो इस टीजर की हुई वो कुछ जो हार्श रियलिटीज थी उसके साथ इसकी जो है टीजर की शुरुआत ही, साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक में कई लड़कियों की चीखने की, चिल्लाने की, उनके दर्द की आवाज सुनाई दे रही है। और ये फिल्म जुलाई के महीने में सिनेमा घरों में दस्तक देगी। आपको बता दें 12 साल पहले केरला से एक साथ 32,000 लड़कियां गायब हो गई थी जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो ये जो मिस्ट्री है क्या बड़े पर्दे पर सॉल्व हो पाएगी, क्या विपुल शाह इसमें अपना अच्छे से उसे बड़े पर्दे पर दिखा पाएंगे ताकि लोगों के जहन खुल सके, लोगों की सोच खुल सके और जो 12 साल पहले घटा था वो फिर ऐसा कभी ना हो। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।